फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव ईश्वरी। आज हम इंस्टेंट राइस फ्लोर से क्रिस्पी डोसा बनाने वाले हैं और ये बनाना भी बहुत इजी है। जब आपको भूख लगे तो आप ये इंस्टेंट बना सकते हो। और अगर आपने मेरे पिछले वाले कुकिंग वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वो जाके जरूर देख लेना। और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना, जिससे मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशंस आए। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जरूर लाइक कर देना। तो चलिए इस डोसा को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इसमें 1 कप राइस फ्लोर डालेंगे और इसके दुगना हमें इसमें पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप्स ऑफ वाटर डाला है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी हमने इसमें से जो भी लम्स थे वो निकाल लिए एंड यह अब सेमिथी बैटर हो गया है। अभी हम इसमें कैरोट डालेंगे। जो आपको वेजीज अच्छे लगते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। चिली, थोड़ा सा स्पाइसी मुझे चाहिए था तो मैंने थोड़े से ज़्यादा डाला है। कोरिएंडर, स्प्रिंग अनियन, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। और टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी हमारा ये डो बन के तैयार है। क्रिस्पी डोसा बन के तैयार है और ये कोकोनट चटनी के साथ बहुत यम्मी लगता है। आप इस क्रिस्पी डोसा को जरूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरे कुकिंग वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके लिए लेके आते जाऊंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस के रिलेटेड कुछ सजेशंस होंगे तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ जल्दी गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।